हेलो रोहित, आंटी से बात करा। आंटी नमस्ते। आंटी आप व्रत में क्या क्या नहीं खाते हो? अच्छा आप हींग खाते हो आप, और हरी मिर्च नहीं खाते हो? तो आप घिया भी खाते हो, कद्दू भी खाते हो। हेलो पवन, तुमने आंटी से बात करा। अच्छा आप हींग नहीं खाते, हरी मिर्च खाते हो, गाजर भी खाते हो आप? अच्छा आप अदरक भी खाते हो, हरी मिर्च भी खाते हो, ओके, हींग भी खाते हो, आलू भी खाते हो, ओके, थैंक यू आंटी। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपको एग्जैक्टली पता है कि व्रत में क्या खाया जाता है, एक काम करिए, अपने दोस्त की मम्मियों को फ़ोन कर लीजिए, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हिल जाएगी। क्योंकि हम कहीं पर व्रत में ये खाते हैं, कहीं पर व्रत में वो खाते हैं, कहीं पर ये और वो दोनों नहीं खाते, कुछ और ही खाते हैं। तो इसलिए जितना मुझे समझ में आया, तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार। अपनी समझ और अपने दोस्तों की मम्मियों की समझ को मिला के कुछ व्रत की रेसिपीज लेके आ रहा हूँ जी, ठीक है, लेकिन म्यूजिक के बाद है ना। कॉलिंग एंड एक्शन। तो क्या है ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे व्रत का खाना बनाना इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज चैलेंजिंग होता है। जब आपके पास सामान इतने सारे नहीं और इतना सा रह जाए, उसके बाद खाने में टेस्ट लाने में दिमाग लगाना पड़ता है और नियत डालनी पड़ती है अच्छी, राइट। तो इसलिए मैंने कहा एक काम करते हैं, आज नाश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, मतलब व्रत में इडली डोसा कैसे बनाए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है जी। और इंग्रेडिएंट जो है वो दो हैं बस, ये देखिए, यह है इंग्रेडिएंट नंबर वन, इंग्रेडिएंट नंबर टू। तो साबूदाना, समा चावल अंग्रेजी में बार्नयार्ड मिलेट, और ये समा चावल बगैर छिला हुआ। अभी ये समा चावल हमने सोक किया है साबूदाने के साथ, और ये समा चावल जो है ये ड्राई, ड्राई वाला डोसे के लिए, सोक किया हुआ इडली के लिए, सिंपल। अब ये जो है झंगोरा, समा चावल, बार्नयार्ड मिलेट, इसको समझ लें। अगर आपको व्रत में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना लाइफ की, तो इसको अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप इसका चावल भी बना सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं, डोसा भी बना सकते हैं, दही बड़ा भी बना सकते हैं, पुलाव भी बना सकते हैं, बिरयानी भी बना सकते हैं। सबसे पहले सोक किया हुआ समा चावल, और ये वाला समा चावल है, देखिए ये वाला हस्क्ड, हाँ, स्किन वाला नहीं है, और लगभग 1.5 कप में 2 चम्मच सोक किया हुआ साबूदाना डालें, साथ में डालें व्रत का नमक। दूसरी तरफ जो पाउडर बनेगा उसमें ये गया समा चावल, अब ये डोसे के लिए, हाँ, और 1 कप समा चावल में लगभग 2 चम्मच साबूदाना। डोसा इडली, डोसा इडली, तो डोसे के आटे को सूखा पीसना है, भीगे हुए इडली के आटे को थोड़ा सा दही या पानी मिला के पीसना है, और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। लो जी, इडली डोसा लेके आ गए हम। ये है डोसे का आटा, और इसको ऐसे ही आप रख दीजिए, कुछ नहीं होगा, इसको पूरे व्रत में चलेगा। और अगर अच्छे से रखेंगे, मतलब इसको जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज कर देंगे, तो अगले व्रत तक चलेगा। और ये है हमारा इडली का बैटर, जिसमें भी बहुत कुछ होना है, जैसे इसके अंदर जाएगा और दही, और टेक्सचर के लिए इसके अंदर जाएगा ये सोक किया हुआ समा चावल। एंड दैट सोक किया हुआ समा चावल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर जो है आप बनाने जाएंगे इडली, बन जाएगा ऐसा कुछ पेस्ट, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये देखिए, अभी इसमें दाना आया ना, वो इडली में वो दाना ज़रूरी है। देखो जी, अब अगर आपके घर में, जैसे कमल के घर में आलू खाया जाता है व्रत में, आलू बनता है, तो सिर्फ आलू लें, आलू को हल्का सा हरी मिर्च अदरक का तड़का लगाएं, और आलू की फिलिंग बना लें जी डोसे वाली। लेकिन अगर आप आलू नहीं खाते, चटनी तो खाते हैं ना डोसे के साथ, तो जी चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए ढेर सारा पीनट, ठोक के हरी मिर्च, ढेर सारा, नहीं ठीक ठीक सा धनिया और अदरक। अब लोग मुझसे कहते हैं रणवीर व्रत में तेल कौन सा यूज़ करें, बहुत सिंपल है, किसी की मम्मा को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पीनट्स खाते हैं व्रत में तो पीनट का तेल यूज करिए, और अगर आप पीनट नहीं खाते हैं तो घी यूज करिए। जो करे मां ना प्यो, वो करे देसी क्यों, व्रत और नो व्रत।
जीरे को ऐसे जला लेना है, देखिए अच्छे से एकदम दाग दे लेना जीरे को। उसके बाद मूंगफली के बाद हरी मिर्च। अच्छा, अगर हरी मिर्च तीखी है जैसे मेरी है तो हाथ रोक लें वरना लोग नाराज हो जाएंगे। अदरक, व्रत का नमक। व्रत के नमक को सेंधा नमक क्यों कहते हैं ये बताइए। बैठ जाते हैं आराम से, बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है ये, नमक का जो कॉन्वर्सेशन है ना। देखिए आयुर्वेद के हिसाब से 5 तरह के नमक होते हैं। हाँ, एक होता है सेंधा नमक, एक होता है समुद्र नमक, एक होता है सांभारा नमक जो सांभर लेक से मिलता है, एक होता है वीड नमक जो कि अमोनियम सॉल्ट से मिलता है, और एक होता है सौवर्चल नमक। तो आयुर्वेद में लवण जो है वो 5 किस्म का होता है, पंच लवण जिसको हम बोलते हैं, 5 काइंड्स ऑफ सॉल्ट, और सेंधा उसमें से एक। अब सेंधे नमक को सेंधा नमक क्यों कहते हैं, उसके 2 कारण। एक तो ये लॉजिक है कि जैसे हम सेंध लगाते हैं, सेंध लगा के चोरी करते हैं, वो छेनी से सेंध लगा के तिजोरी निकाली बोलते थे ना, दीवार में सेंध लगा ली, क्योंकि ये नमक जो है ये सेंध लगा के निकाला जाता है, माइनिंग से धीरे धीरे पहाड़ों से निकाला जाता है, इसलिए इसे सेंधा नमक कहते हैं। दूसरा जो लॉजिक है, जो पुराना लॉजिक है, वो ये है कि आयुर्वेद के हिसाब से सबसे पहले ये सिंध प्रांत से निकाला गया, और सिंध प्रांत से निकाले गए नमक को सिंधु नमक या सिंध नमक कहते थे, और धीरे धीरे वो सिंध से सेंधा हो गया। मतलब सेंध लगाना भी हो सकता है लेकिन सिंधु नमक वाला लॉजिक थोड़ा बेटर है। अब ये जी मिक्सी में जाएगा, लेकिन मोटा मोटा पीसना है इसको, है पेस्ट नहीं बनाना, इसका हलवा नहीं बनाना, मोटी मोटी चटनी बनानी है। उस चटनी के हम 2 हिस्से करेंगे, एक उबले आलू में डालेंगे फिलिंग के लिए, और एक दही में डालेंगे चटनी के लिए। बताइए लॉटरी है कि नहीं, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। नाइस, नटी बोले तो नटी एकदम मस्त। ये बस आप ये समझ लीजिए, ये फॉर्मूला समझ लीजिए, अगर आपने व्रत में टेस्ट देना है तो ये जो है ना बना के रख लीजिए, किधर पे भी सब्जी बनाई छिड़क दिया, चटनी बनाई छिड़क दिया, रायता बनाया छिड़क दिया, मीठे में नहीं बस। आज जो है एवरीथिंग इज हैपनिंग इन 2s है ना, सब कुछ 2-2 में हो रहा है, उसी इंग्रेडिएंट से 2 डिशेस, उसी चटनी के 2 उपयोग। तो ये तो हो गई चटनी, ये देखिए क्या फर्स्ट क्लास चटनी बनी, एकदम दानेदार। दूसरी तरफ फिलिंग के लिए ले आलू, तो ये तो डोसे की फिलिंग के लिए आलू हो गया, और चटनी हमारी साथ में हो गई ऑलरेडी। एक तीर 2 निशाने वाला आपको काम मैंने दिखा दिया। अब आते हैं इडली पे, ये रहा इडली का बैटर। इडली के मोल्ड पे लगाना है तेल, या फिर घी भी लगा सकते हैं जी। इडली के बैटर के अंदर मामला करते हैं तैयार, बारीक चॉप धनिया, तेल और फ्रूट सॉल्ट, इसको कर लिया मिक्स। इडली में ध्यान क्या रखना है कि सवा चावल अच्छी क्वालिटी का लें, उसको अच्छे से धो लें, ऑफ स्मेल नहीं आनी चाहिए, या फिर हल्का सा रोस्ट कर लें उसको, उससे भी स्मेल चली जाती है, बट वॉश इट। उसके बाद हल्का सा सोक किया हुआ सवा चावल ज़रूर डालें उसके अंदर फॉर टेक्सचर, वरना बहुत पेस्टी पेस्टी इडली हो जाएगी, आपको मज़ा नहीं आएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था दानेदार जो है वो बहुत ज़रूरी है टेक्सचर के अंदर, इसलिए सोक्ड सवा चावल व्रत का चावल ज़रूर डालें। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, सब बता दिया मैंने, अब कुछ नहीं रह गया। ये तो हो गया जी इडली, अब चलते हैं डोसे की तरफ। तो डोसे में चॉप हरी मिर्च, बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है हरी मिर्च। मेरा मन तो बहुत कर रहा है खोल के देख लूँ एक बार इडली को, पर देखूंगा नहीं, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, व्हेन यू आर लुकिंग यू आर नॉट कुकिंग, अगर आप देख रहे हैं तो खाना नहीं पका रहे, फिर आप देख ही रहे हैं, इसलिए छोड़ दो। नाइस, अच्छा है, इडली देख लेते हैं। ओए होए होए, ब्यूटीफुल हो गया जी मामला, देखो जरा, वाह, लुक एट दिस, टेक्सचर देखिए आप, टेक्सचर, और थोड़ा ठंडा होने के बाद निकालिएगा वरना इडली जो है वो चिपक जाएगी। ओए होए होए, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। दही डालना बहुत जरूरी है क्योंकि साबूदाना भी रूखा होता है, समा का चावल भी रूखा होता है, तो नरमी नहीं आएगी इडली में।
देखो जो अपने डोसे का आटा हमने बनाया था उसके अंदर हमने ताज़े इंग्रेडिएंट्स डाल दिए और ऐसा एकदम पतला सा बैटर बना लिया उसका। पतला मतलब आपको दूर से ऐसा लगना चाहिए छाछ है, पर आप एक्चुअली चाहें तो इस बैटर में पानी की जगह छाछ भी डाल सकते हैं। देखिए जो डोसे की बॉडी है ना, वो डोसे की बॉडी जो है वो आ रही है समा के चावल से, व्रत के चावल से, और जो डोसे का टेक्सचर है, जो क्रिस्पीनेस है, वो आएगा साबूदाने के पाउडर से, राइट। तो अगर आपको लगता है कि क्रिस्पी नहीं हो रहा, थोड़ा साबूदाने का पाउडर वैसे ही साइड में रख लीजिए, बैटर में लास्ट मिनट मिलाएंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। सब छोटी मोटी बड़ी लंबी ऊंची चौड़ी पतली सारी ट्रिक्स बता दी मैंने। थोड़ा अगर नीचे बैठ जाएगा कोई बात नहीं, चलाते रहिए, हमको ऊपर के पानी से मतलब, जैसे हम लोग रवा डोसा बनाते हैं ना, बस वही वाला फील। 10 मिनट छोड़ना है इसको, ठीक है। तब तक मैं लेके आता हूँ प्लेटिंग। अरे पहले तवा तो लगाओ रणबीर, अब तो बहुत सिंपल है। बैटर को थोड़ा सा हिला लें। इस बैटर के अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो सबसे ज़रूरी है वो है शक्कर। शक्कर डालना मत भूलिएगा, रंग नहीं आएगा और आप कहेंगे रणबीर आपने बताया नहीं। और एकदम गरम तवा, ये देखिए, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा बताइए। लेकिन अगर आपको ये रंग और क्रिस्पीनेस चाहिए तो फिर शक्कर मत भूलिएगा। वाह भाई, तमाम मम्मियों को फोन करने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि आज हमने व्रत की इडली और डोसा बना दिया है। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को हर वो चीज हटा के बना सकते हैं जो आप नहीं खाते, इसकी ब्यूटी ये है। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना, अगर आप डोसा बना रहे हैं, अरे नहीं नहीं पास आइए, ये कान में बताने वाली बात है। हाँ, अगर आप डोसा बना रहे हैं तो जब आप डोसे का बैटर टेस्ट करेंगे उसमें नमक कम रखिएगा, क्योंकि बैटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो शक्कर और नमक अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। अरे आप फिर दूर जा रहे हैं, पास आइए, फिर सबको मैं बता दूंगा ये बात, पास आइए। हाँ ठीक है ना, जो बैटर बनाते हैं ना पतला वाला, उसमें नमक और शक्कर कम रखिए, ज़्यादा नहीं रखनी। मुझे लगा था इडली स्टार होगी, मैंने वीडियो बंद कर दिया, लेकिन स्टार तो डोसा है अपना। शॉप में शॉप